गुड मॉर्निंग एवरीवन वन विद विद नेक्स्ट पॉइंट जो कंपनसेशन है वो पेड होगी इन को या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जो कवर है उस पर कुछ कंडीशन है वो क्या कि जो ऑनर है ड्राइवर है वो रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ दी व्हीकल इन होना चाहिए जो ऑनर ड्राइवर है उसका नेम होना चाहिए एज इन शॉर्ट इन जो ऑनर ड्राइवर है उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए देन जर्नल एक्सेप्शन क्या है कंपनी शेल नॉट बी लाइबल अंडर दिस पॉलिसी किस चीज के लिए एनी एक्सीडेंटल लॉस या डैमेज या लाइबिलिटी जो कॉज हो रही है या सस्टेन्ड हो रही है आउटसाइड दी जियोग्राफिकल एरिया कोई भी क्लेम जो अराइज हो रहा है आउट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी अगर जो व्हीकल आप यूज कर रहे हो अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद लिमिटेशन एज टू यूज है अगर जो व्हीकल आप ड्राइव कर रहे हो जो पर्सन ड्राइव कर रहा है उसके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है कोई भी कॉन्सिक्वेंशियल लॉस या एक्सपेंस या जो रिजल्ट हो रहा है उसकी वजह से उसके लिए वो जो है लाइबल नहीं है देन कोई भी जो लाइबिलिटी कॉज हो रही है बाय और कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय और अराइजिंग फ्रॉम any ionizing radiations or yeah, contamination by radioactivity from any nuclear fuel or yeah, from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel कोई भी लॉस डैमेज जो हो रहा है फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स मटेरियल कोई भी लॉस या डैमेज जो अकर तो हुआ है ड्यू टू एक्सीडेंट आफ्टर चेंज ऑफ कोई भी लॉस डैमेज जो हुआ है आउट ऑफ या इन कनेक्शन विद वॉर इन्वेजन एक्ट ऑफ फॉरेन एनिमीज वॉर लाइक ऑपरेशन सिविल वॉर म्यूटनी रिबेलियन एंड मिलिट्री ऑपरेशन देन इसके अंडर अदर पॉलिसी कंडीशंस क्या है सबसे पहला एज जो पर्सन है वो अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स अगर है तो वो ड्राइव नहीं करेगा मोटर व्हीकल कहीं भी पब्लिक प्लेस में सब्जेक्ट टू दी फॉलोइंग एक्सेप्शन जो सेक्शन फोर है मोटर व्हीकल्स एक्ट का 1988 का वो क्या एक जो मोटर व्हीकल जिसकी इंजन कैपेसिटी 50 सीसी से कम है वो ड्राइव आप कर सकते हैं पब्लिक प्लेस में पर्सन ड्राइव कर सकता है आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ दिक्सटीन ईयर्स कोई भी पर्सन पर्सन जो 20 ईयर से कम का है वो ड्राइव नहीं कर सकता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई भी लर्नर लाइसेंस या ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं किया जाएगा किसी भी पर्सन को अनलेस वो एलिजिबल है ड्राइव करने के लिए वो क्लास ऑफ व्हीकल देन नेसेसिटी फॉर ड्राइविंग लाइसेंस सेक्शन थ्री कोई भी पर्सन जो ड्राइव कर रहा है एक मोटर व्हीकल उसके पास एक इफेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब वो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पास वो तभी ड्राइव कर सकता है और कोई भी पर्सन ड्राइव नहीं करेगा एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल अदर देन अ मोटर कैब और मोटर व्हीकल फॉर हिज ओन यूज और रेंटेड अनलेस जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो स्पेसिफिकली उसके ऊपर मेंशन ना चाहिए ये चीज हो कि वो कर सकता है देन है नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन थर्टी नाइन जो पर्सन है वो ड्राइव नहीं कर सकता कोई भी मोटर व्हीकल और जो ऑनर है मोटर व्हीकल का वो कॉज नहीं कर सकता या परमिट नहीं कर सकता व्हीकल को ड्राइव करने के लिए वो परमिशन नहीं दे सकता किसी भी पब्लिक प्लेस पे या एनी अदर प्लेस पे अनलेस जो वहीकल रजिस्टर्ड है नेक्स्ट है ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप Uh, हम तब मानेंगे कि ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई है इन फेवर ऑफ पर्सन जिसको आप मोटर व्हीकल ट्रांसफर कर रहे हो उस डेट से जिस डेट से ट्रांसफर हुआ है जो ट्रांसफरी है वो अप्लाई करेगा विद इन फोर्टीन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर इन राइटिंग इंश्योरर को इन केस ऑफ पैकेज पॉलिसीज़ जो ट्रांसफर है ओन डैमेज सेक्शन का पॉलिसी के वो इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी होगी बाय द इंश्योरर ओनली जब उसके पास रिसिप्ट होगी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की फ्रॉम द ट्रांसफरी अलोंग विद द कंसेंट ऑफ ट्रांसफरर अगर जो ट्रांसफरी है वो इनटाइटल नहीं है नो क्लेम बोनस के लिए और एलिजिबल है फॉर लेस परसेंटेज देन अलाउड अंडर पॉलिसी तो जो ट्रांसफरी है उसको जो डिफरेंस है अमाउंट का वो पे करना पड़ेगा और फ्रेश प्रपोजल है उसे लेना पड़ेगा ट्रांसफरी से देन है आपका चेंज ऑफ व्हीकल एक जो व्हीकल इंश्योर्ड है अंडर अ पॉलिसी उसे आप सब्सटीट्यूट कर सकते हो अन व्हीकल से ऑफ द सेम क्लास फॉर द बैलेंस पीरियड ऑफ द पॉलिसी लेकिन जो अमाउंट है प्रीमियम की उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाएगा देन नेक्स्ट है हमारा व्हीकल सब्जेक्ट टू हायर परचेज एग्रीमेंट पॉलिसीज और सर्टिफिकेट इंश्योरेंस जो इश्यूड होंगे वो होंगे इन द नेम ऑफ हायरर ओनली नेम्स में और के वो इशू नहीं किए जा सकते अगर जो ऑनर है उसका इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं एंडोर्समेंट आई एम टी फाइव वाला फॉर्म और इस पर्पज के लिए जो पर्सनल एक्सीडेंट है कवर फॉर दी ऑनर ड्राइवर वो ग्रेन्टेड होगा अंडर दी पॉलिसी जो इंश्योर्ड का नेम्ड है नेम्ड है जो इंश्योर्ड पॉलिसी में वो कॉन्टिन्यू रहेगा और उसे डीम्ड एज दी ऑनर माना जाएगा ड्राइवर सब्जेक्ट टू दी कंडीशन ऑफ दी पॉलिसी देन व्हीकल सब्जेक्ट टू लीज एग्रीमेंट जो भी पॉलिसीज और सर्टिफिकेट्स हैं इंश्योरेंस के जो इश्यू होंगे वो इन दी नेम ऑफ लीजी ओनली होंगे और वही की जॉइंट नेम्स में लेसी और जो आपका ऑनर है उसकी जॉइंट नेम्स में वो इशू नहीं हो सकते अगर जो ऑनर का इंटरेस्ट है आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप यूज कर सकते हैं एंडोर्समेंट आई एम का फॉर्म फॉर दर्सनल एक्सीडेंट कवर जो कंडीशन है वो सेम रहेगी जो हमारी सिक्स पॉइंट में थी देन व्हीकल्स सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट जो पॉलिसीज हैं हैं सर्टिफिकेट्स वो इशू होंगे इन नेम ऑफ रजिस्टर्ड ओनर ओनली और वही सेम चीज की ज्वाइंट नेम्स में वो रजिस्टर्ड ऑनर और प्लेजी जो है उसके ज्वाइंट नेम्स में वो इशू नहीं हो सकते अगर प्लेजी का इंटरेस्ट आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एंडोर्समेंट आई एम टी सेवन और वही रिगार्डिंग पर्सनल एक्सीडेंट कवर जो पॉइंट नंबर है है उसे कंटिन्यू माना जाएगा देन आपका ऑफ इंश्योरेंस जो प्रोविजन है रिगार्डिंग कैंसिलेशन वो क्या है एक पॉलिसी को आप कैंसिल कर सकते हैं इंश्योरर जो है उसे कैंसिल कर सकता है सेवन डेज का नोटिस दे के इंश्योर को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट जो इंश्योरर है वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोराटा रिफंड ऑफ़ प्रीमियम प्रीमियम के लिए प्रोराटा बेसिस पर को रिफंड करने के लिए जो पॉलिसी है वो कैंसल एट ऑप्शन ऑफ इंश्योर्ड भी हो सकती है इन सेवन डेज नोटिस देकर कैंसलेशन का जो इंश्योरर है वो एलिजिबल होगा रिटेन करने के लिए प्रीमियम शॉर्ट पीरियड स्केल पर फॉर दी पीरियड जब तक जो पॉलिसी है वो फोर्स में रही है और जो बैलेंस प्रीमियम है उसे रिफंड करना पड़ेगा अगर कोई क्लेम नहीं है जो पॉलिसी है वो कैंसिल की जा सकती है अगर जो व्हीकल इंश्योर्ड है वो किसी और इंश्योरर के साथ ऑलरेडी इंश्योर्ड है या आफ्टर सरेंडर ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस देन जो इंश्योरर है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को अबाउट सच कैंसिलेशन ऑफ इंश्योरेंस देन डबल इंश्योरेंस अगर दो पॉलिसीज इशूड हुई हैं सेम वहीकल के लिए विद आइडेंटिटी आइडेंटिकल कवर तो जो पॉलिसी है एक पॉलिसी है उसे कैंसिल आप कर सकते हैं जो डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर दोनों पॉलिसीज के डिफरेंट है तो जो लेटर वन है जो बाद वाली है उसे आप कैंसिल करेंगे जो इंश्योरर कंसर्न है उसे कैंसिल करेगा और जो प्रोराटा बेसिस पे रिफंड उसका प्रीमियम बुक करेगा अगर जो व्हीकल इंश्योर्ड है टू ऑफिसिस सेम इंश्योरेंस का, के साथ तो जो हंड्रेड परसेंट प्रीमियम है एक पॉलिसी का वो रिफंड करना पड़ेगा देन नेक्स्ट इज चेंज इन इन्फॉर्मेशन अगर कोई चेंज है इन्फॉर्मेशन में रिगार्डिंग नंबर ऑफ इंजन या चेसेज ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग दर अगर कोई होता है तो उसे आपको इंटीमेट करना है इंश्योर को इमिडिएटली जो सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है वो आपको वापिस करना पड़ेगा इंश्योर को कैंसिलेशन के लिए और जो इंश्योर है वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस इश्यू करेगा सारे चेंजेस को इनकॉपरेट करके देन डिस्ट्रॉयड टोन सॉइल्ड एंड म्यूटिलेटेड सर्टिफिकेट और कवर नोट जहां पर जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस है या जो इश्यू किया है इंश्योर ने वो लॉस्ट हो जाता है डिस्ट्रॉय हो जाता है फट जाता है और डिफेस्ट मूटेड हो जाता है तो जो इंश्योरर है वो एक फ्रेश डुप्लीकेट सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस आपको इशू कर सकता है ऑन द रिसिप्ट ऑफ ऑफ फी देन नो क्लेम बोनस नो क्लेम बोनस बी अलाउड ऑन कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी और वो भी अंडर ओन डैमेज सेक्शन ऑफ पॉलिसीज जो रेट्स है एनसीबी के वो है ट्वेंटी परसेंट फॉर फर्स्ट ईयर ट्वेंटी फाइव परसेंट फॉर टू ईयर थर्टी फाइव परसेंट फॉर थ्री ईयर्स फोर्टी फाइव परसेंट फॉर फोर ईयर्स एंड फिफ्टी परसेंट फॉर फाइव और मोर ईयर्स जो एनसीबी है वो अलाउड है सिर्फ तब जब प्रीवियस ईयर में या ईयर्स में आपने कोई क्लेम नहीं किया है और वो जीरो हो जाएगी अगर कोई क्लेम आपने लॉन्च किया है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर या कोई क्लेम आपने रिसीव किया है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर्स देन डिस्काउंट फॉर विंटेज कार जो प्राइवेट कार्स हैं सर्टिफाइड हैं बाय द विंटेज एंड क्लासिकल कार्स क्लब ऑफ इंडिया एज विंटेज कार्स वो एलिजिबल हैं फॉर 25% ऑफ डिस्काउंट ऑन ओन डैमेज प्रीमियम देन डिस्काउंट फॉर एंटी थेफ्ट डिवाइसेस जो व्हीकल्स फिटेड हैं विद एंटी थेफ्ट डिवाइसेस से जो अप्रूव्ड हैं बाय ऑटोमोबाइल रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे और जो इंस्टॉलेशन हुई है वो ड्यूली सर्टिफाइड हुई है बाय एनी ऑफ द ऑटोमोबाइल एसोसिएशनस जो एसोसिएशनस uh, हुई है तो वो एलिजिबल हैं फॉर अ डिस्काउंट ऑफ 2.5% ऑन द ओन डैमेज कॉम्पोनेट ऑफ प्रीमियम सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ फाइव हंड्रेड रुपीज देन कंसेशन फॉर अप व्हीकल्स जो व्हीकल्स लेड अप है इन गैराज या नॉट इन यूज है फॉर अ पीरियड ऑफ प्रो राटा रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो है फॉर दीरियड जब जो व्हीकल्स है वो लेडप रहे हैं क्रेडिट किया जाएगा इन शोर्ट को आफ्टर रिटेंशन ऑफ प्रो रा जो क्रेडिटेड प्रीमियम है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा नेक्स्ट ईयर के प्रीमियम से देन यूज ऑफ सी एनजी एलपीजी फ्यूल इनकेस ऑफ व्हीकल्स जो फिटेड है विद बायोफ्यूल सिस्टम सच एस पेट्रोल डीजल एंड सी एन जी एलपीजी परमिटेड बाय कंसर्न रजिस्ट्रिंग ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो किट फिटेड है व्हीकल्स में जो आपने इंश्योर्ड करवानी है सेपरेटली आप करवा सकते हो विद एन एडिशनल प्रीमियम और ये स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड होना चाहिए इंश्योर्ड के थ्रू प्रपोजल फॉर्म में uh, या फिर एक लेटर साथ में लगा होना चाहिए प्रपोजल फॉर्म के अगर जो वैल्यू है सी की एलपीजी किट की वो सेपरेटली अवेलेबल नहीं है इवन देन जो एडिशनल प्रीमियम है आपसे चार्ज किया जाएगा और उसका रेफरेंस प्रपोजल फॉर्म में दिया जाएगा देन फाइबर ग्लास फ्यूल टैंक जो भी पॉलिसीज कवर कर रही हैं व्हीकल्स को फिटेड विद फायर ग्लास फ्यूल टैंक्स उन उनके ऊपर भी एक एडिशनल प्रीमियम लगेगा देन पीरियड ऑफ इंश्योरेंस जो पॉलिसी का पीरियड होगा वो 12 मंथ्स का होगा कोई भी पॉलिसी परमिटेड नहीं है इशू करने के लिए या रिन्यू करने के लिए बारह महीने से ज्यादा के लिए देन वेल्यूड पॉलिसी अंडर एन एग्री एग्रीड वैल्यू पॉलिसी एक स्पेसिफाइड होता है एज एस इंश्योर्ड वैल्यू ऑफ दी व्हीकल जो पे की जाए जाता है एस कंपनसेशन केस ऑफ टोटल लॉस और कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑफ दी व्हीकल विदाउट एनी डिडक्शन फॉर डेप्रीशिएशन जो एग्रीड वैल्यू पॉलिसी है उसे आप इश्यू नहीं कर सकते इन केस ऑफ विंटेज कार्स देन प्रियोरियर कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पॉलिसी जो क्लेम है अंडर दी पॉलिसी वो पेबल होगा जब जो इंश्योर्ड है वो कंप्लाई करता है सभी टर्म्स एंड कंडीशंस को पॉलिसी की और जो क्वेश्चंस है वो जो प्रपोजल फॉर्म में पूछे गए थे उनको ट्रूली आंसर करता है देन वहीकल्स रिक्विजीशन बाय द गवर्नमेंट वहीकल्स जो रिक्विजीशन है बाय द गवर्नमेंट वो ऑटोमेटिकली हेल्ड जो उनका कवर है ऑटोमेटिकली हेल्ड माना जाता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रिक्विजिशन विदाउट एनी एडिशनल प्रीमियम और इन दी इवेंट ऑफ लॉस या डैमेज अगर अकर हो रहा है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सच रिक्वेजिशन तो जो इंश्योरर है वो पे करेगा लॉसेज और लाइबिलिटीज इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट मेड गुड बाय द गवर्नमेंट देन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है प्रोसीजर फॉर इफेक्टिंग मोटर व्हीकल इंश्योरेंस इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू सो मच